आप देख सकते हो मैं मेरे से ज्यादा ना मेरे सोसाइटी वाले कुलीग ज्यादा खुश है, पूरा देश खुश है। मनु ने शुरुआत की है ओलंपिक में मेडल से, और अभी तो मनु के इवेंट्स बाकी हैं। इस उसके लिए मैं आप सबका, देशवासियों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हर मुकाम पे, विशेषकर पत्रकार बंधुओं ने और टीवी मीडिया ने ना मनु को बहुत हौसला दिया है, बहुत सपोर्ट किया है और उसको बहुत बार उसमें रखा है। तो मैं आप सबका विशेष धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ में मनु को जहाँ पे भी मदद मिली है वो लगभग हर कॉर्नर से मदद मिली है। स्पोर्ट्स मंत्रालय से भी टॉप्स एक डिपार्टमेंट है, वहाँ से स्पेशली फेडरेशन से उसकी सारी बातें मानी गई है, उसको सारे इक्विपमेंट और ये चीज़ों में हेल्प मिली है, और OGQ उनका मदद करती है, और साथ में जसपाल राणा के साथ में जुड़ने के बाद में मनु का हौसला जो है काफ़ी बूस्टअप है, और देशवासियों के दुआएं और आशीर्वाद से वो ये कर पाई। मनु 10th क्लास में थी तब स्टार्ट किया था 2016 में। नहीं, मनु सोच रही थी कुछ और करने के लिए, और वो मनु की पुरानी आदत है, जैसे वो तांगता और कराटे में नेशनल जीतने के बाद आके हमें बता देती थी, पापा मैं अभी नहीं खेलूंगी या गेम चेंज करूंगी। वो पुरानी थी तो हम उसको जस्ट नॉर्मल उसको लिया था कि भाई वो उसका वो है। अभी एक बार बात तो हो जाए, उनका फोन ही बंद है। अभी बात होने के बाद में वही है कि विश क्या करना चाहेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, तो शायद एक बार देशवासियों को एक होता है ना कि टॉनिक मिला है, तो आई होप कि वो और अच्छा करेगी अगले दो में। कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में, देखिए शूटिंग के लिए तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी शूटिंग गेम में ना, इतने सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगभग 20,000 के करीब, स्पेशली हरियाणा के बहुत सारे शूटर हैं, तो इससे मैं ये कहूँगा कि इससे बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा और ये गेम अपने आप में नई ऊंचाइयों पे जाएगा। मनु किसी गेम में रुचि थी या कुछ और चाहती थी करना? मनु क्या, मनु कुछ और चाहती थी खेलना, कुछ किसी और गेम में रुचि थी? नहीं, मनु ने बहुत सारे गेम चेंज किए हैं ना, 10th तक बहुत सारे गेम किए हैं। कराटे में वो नेशनल में सिल्वर मेडल है उनका, तांगथा में 3 बार वो नेशनल चैंपियन रही है, स्केटिंग में भी वो अच्छा करती थी, और बचपन में मिनी क्यूबा को जानते होंगे, वहाँ पे बॉक्सिंग में वहाँ पे छोटी एज में चैंपियन थी, उसे बहुत सारे गेम किए हैं। तो ये तो मुझे लग रहा है कि अभी क्योंकि शूटिंग ज़्यादा ट्रांसपेरेंट गेम है तो शायद यहाँ पे टिकी हुई है।